जो हमारी श्रृंखला चल रही है उस पर हम लोग आज अपनी आगे बड़ी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सभी लोग अपने अपने हाथों को जोड़ लें, पहले परमात्मा का स्मरण, उसके बाद धर्म का स्मरण। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिर्याणं, नमो विजयाणं, नमो लोई सभ्य साहुणं। जय बोली अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवादि प्रकट श्री आदिनाथ भगवान की, देवादि प्रकट श्री शांतिनाथ भगवान की, चमत्कारी चिंतामणि मारुषनाथ भगवान की, विश्व प्रभु महावीर भगवान की, आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज की, आचार्य उदय सिद्धांत सागर जी महाराज दैनिक जीवन में इंसान बहुत सारी बातें, बहुत सारे कार्य करता है और दैनिक जीवन में इंसान जब बहुत सारी बातों को, बहुत सारे कार्य को करता है तो निश्चित रूप से बहुत सारी बातें एक दूसरे से आदान प्रदान हो जाया करती है। बहुत सारे शब्द, बहुत सारी बातें एक दूसरे को कहे जाती है, लेकिन आज यह समझने का प्रयास करना है कि जो हम लोग दिन भर में बहुत सारी बातों को करते हैं, बहुत सारी बातों को समझते हैं, बहुत सारी क्रियाओं को करने का प्रयास करते हैं, उनका महत्व तो क्या है, उनको करने का प्रयोजन क्या है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि दैनिक जीवन में हम क्या क्या वाक्य, क्या क्या शब्द उच्चारित करते हैं, क्या क्या लोगों से अधिकतर बोलते हैं। आप सभी बताइए कि आप सभी लोग दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा दो शब्द दूसरों के लिए क्या करते हैं। दैनिक जीवन में आप सभी लोग सबसे ज्यादा शब्द दूसरों के लिए क्या कहते हैं। तो सबसे ज्यादा यदि दिन भर में व्यक्ति कोई शब्द दूसरों के साथ बोलने में कहता है तो कहता है आई एम सॉरी। सॉरी शब्द मैं समझता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति दिन भर में ना जाने कितनी बार बोलता होगा, दिन भर में ना जाने कितनी बार सुनता होगा, दिन भर में ना जाने कितनी बार उस सॉरी शब्द को बोलने सुनने का प्रयास करता। पहला शब्द है सॉरी। आप कोई भी कारण उठा आपके बोले आई एम सॉरी। सॉरी का मतलब क्या है? सॉरी का मतलब मात्र माफी मांगना नहीं है, मात्र अपनी गलती की क्षमा करना, क्षमा मांगना नहीं है। सॉरी से तात्पर्य तो होना चाहिए कि जो सॉरी शब्द का मीनिंग है एस ओ आर आर वाई, इसे कहते हैं सॉरी। तो पहला शब्द है सॉरी और दूसरा शब्द है कौन सा हो सकता है? पहला शब्द है सॉरी के अधिकतर आपके बोलने में सॉरी शब्द का उच्चारण होता है और दूसरा शब्द है थैंक यू वेरी मच, थैंक यू धन्यवाद। आप अपने जीवन में नित्य प्रति यह शब्द तो अधिकतर दिन भर में सुबह से शाम तक बोलते ही, प्रातः काल से लेकर संध्या काल न जाने कितनी बार आप इन शब्दों का उच्चारण करते हैं। लेकिन क्या यह शब्द मात्र जवान से बोले जाते हैं,
जिह्वा से बोले जाते हैं कि दिल से भी आप इनको बोलने का प्रयास करते हो। जो व्यक्ति इन शब्दों को दिल से बोलने का प्रयास करता है, मैं समझता हूं कि वह सचमुच में इन शब्दों का उच्चारण कर रहा है। और जो व्यक्ति इन शब्दों को दिल से नहीं मात्र जिह्वा से बोलता है, उसे समझना चाहिए यह सिर्फ ऊपर से दिखावे के लिए सॉरी थैंक यू वेरी मच इनका प्रयोग कर रहा है। आप अपने जीवन में जो कार्य करते हो उस कार्य को करने के पीछे आपके बहुत सारे लॉजिक होते हैं, बहुत सारे आपके कार्य करने के पीछे कारण होते हैं, बहुत सारे आपके काम करने के तरीके होते हैं। लेकिन पुण्यशाली वह लोग हुआ करते हैं, भाग्यशाली सौभाग्यशाली वे लोग हुआ करते हैं जो उस कार्य को करते हैं और कार्य को करने के बाद समझने का भी प्रयास करते हैं। जिंदगी में आप यदि अच्छी तरह से समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं तो आपको जबरदस्ती समझाया जाएगा। अच्छी तरह से समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं तो आपको जबरदस्ती समझाया जाएगा। और जबरदस्ती करके भी नहीं समझोगे तो आपको बहुत जोर जबरदस्ती करके समझाया जाएगा। अच्छी बात से समझ जाओ, अच्छी तरह से समझ जाओ, नहीं तो लोग जबरदस्ती करके समझाएंगे। और जबरदस्ती करके भी नहीं समझोगे तो लोग जोर जबरदस्ती करके समझाएंगे और उसके बाद भी नहीं समझोगे तो लोग आपको अलग कर देंगे, इसको समझना ही नहीं है, इसको जो करना है कर लो। समझने का प्रयास करो, समझाने का प्रयास करो। यह मानव जीवन अनमोल है। इस मानव जीवन को आप अच्छी तरह से व्यतीत करें, आप सॉरी दिल से भी बोलें, जवानी के साथ साथ दिल से बोलने का भी प्रयास करें। सॉरी शब्द का उच्चारण आप अपने जिह्वा तक सीमित ना रखें, अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करें। तो आज चर्चा करेंगे सॉरी शब्द के बारे में। तो सबसे पहला सॉरी शब्द में अक्षर होता है एस। एस से बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन यहां पर सॉरी कहने का तात्पर्य है एस से सक्सेसफुल होना, सफलता होना। जो व्यक्ति अपने जीवन में सॉरी बोलता है, आई एम सॉरी, निश्चित रूप से वह कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाएगा, अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेगा। आज सफलता को पाने के लिए आप क्या क्या करते हो, सक्सेस पाने के लिए आप कितनी मेहनत करते हो, दिन रात को एक करके पाई करते हो, दिन रात को एक करके लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए कार्य करते हो, दिन रात को एकजुट बनाने के लिए आप सारी की सारी क्रियाओं को संपादित करते हो। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ऐसे सफलता को प्राप्त करो, सक्सेस को पाओ। सफलता पाने के लिए आपको विनम्र बनना पड़ेगा, सफलता पाने के लिए आपको अपनी गलती को स्वीकार करना होगा। अधिकतर हम लोग सिर्फ झगड़ते इसमें है, गलती तुम्हारी है, गलती मेरी है। अधिकतर हम लोग घर में, परिवार में, समुदाय में, समाज में, संघ में, दोस्तों में, मित्र मंडली के साथ में झगड़ते सिर्फ इसलिए हैं, ये काम मैंने नहीं किया, ये गलती मैंने नहीं करी। वह कहता है ये गलती तुमने करी, वह कहता है ये गलती तुमने करी। लेकिन आपको बता दूं कि गलती न तुम्हारी है न गलती मेरी है, बल्कि यह समझ लें कि गलती हमारी है तो जीवन का कल्याण अपने आप हो जाएगा, जीवन में सफलता अपने आप हो जाएगी। छोटे से काम करने को झगड़े के माध्यम से हम लोग बरसों तक निकाल देते हैं, और यदि प्रेम से किया जाए तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी देर में ही काम संपन्न हो जाए। तो सॉरी में जो एस है वह सफलता का, सक्सेसफुल का प्रतीक है। आपके जीवन में आपको सफलता की ओर ले जाता है, आपको सफलता के शिखर पर पहुंचाता है। लेकिन कब, जब आप सॉरी मनपूर्वक कहोगे, सॉरी दिलपूर्वक कहोगे, तो क्या हो गया आप एस से सक्सेसफुल, सफलता। दूसरा शब्द है क्या है, एस ओ, ओरिजिनल। ओरिजिनल असलियत की जो पहचान कराता है वह सॉरी है। जो आपके अंदर की असली काबिलियत को पहचानता है, जो आपके अंदर की असली काबिलियत को, असली क्षमता को आपके सामने पहुंचाता है, उसका नाम है सॉरी। ऐसे सक्सेसफुल सफलता का वाचक है, ओ से
ओरिजिनल, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जैसे भी हो ओरिजिनल मत हो, क्योंकि ओरिजिनल की कीमत डुप्लीकेट से ज्यादा होती है। ध्यान रखिएगा, डुप्लीकेट बहुत सारा हो सकता है, ओरिजिनल कम होगा, महंगा होगा, लेकिन ओरिजिनल ओरिजिनल रहेगा, ओरिजिनल रियल रहेगा, ओरिजिनल एकदम सच्चा रहेगा। और डुप्लीकेट में तो दिन पे दिन समय समय पर ये समस्या रहेगी कि आज मुझे डुप्लीकेट कर लिया तो कल मुझे वापस डुप्लीकेट करना है, परसों मुझे डुप्लीकेट करना है, और जो ओरिजिनल है वह ओरिजिनल ही है, जो ओरिजिनल है वह ओरिजिनल ही रहता है। तो हमें अपने जीवन में ओ से ओरिजिनल बनने का प्रयास करना है। जिस तरह से ओरिजिनल जो होता है वह कैसा भी हो वह अच्छा ही लगता है, और जो डुप्लीकेट होता है वह बिल्कुल भी किसी को पसंद नहीं आता। जब मालूम चल जाए कि आपने कोई वॉशिंग पाउडर लिया है और आपको सर्फ एक्सेल, एरियल, व्हील, निर्मा, इसकी जगह यदि आपको कोई और दे दिया जाए तो आपके मन पे उस समय कैसे दुष्परिणाम आते हैं कि मुझे और दे दिया गया, मुझे कुछ और देने का प्रयास कर दिया गया, मुझे ओरिजिनल बोल के डुप्लीकेट दे दिया। आप ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से हम सभी लोग ओरिजिनल को पसंद करते हैं, उसी तरह से बाकी सभी लोग ओरिजिनल ही चाहे। जीवन में ओरिजिनल रहे, रियल रहे। तो ऐसे मैंने बताया कि जो सॉरी में एस है वह सक्सेसफुल का प्रतीक है, सफलता का प्रतीक है। ओ से संकेत करता है कि ओरिजिनल रहिए, और आर से कहता है रियल रहो। रियल मतलब वैसे ओरिजिनल की भांति है कि रियल मतलब जो असली स्वभाव है उसमें रहने का प्रयास करें। एक बार एक व्यक्ति आया और कहने लगा, महाराज जी मैं आपके चरणों में नारियल चढ़ाता हूं। मैंने कहा क्यों चढ़ाते हो? बोले मैं आपके चरणों में नारियल चढ़ाता हूं और नारियल चढ़ाने की बात में कुछ कुछ संकल्प करूंगा। तो उनकी धर्मपत्नी कहती है कि महाराज जी ये नियम पाल नहीं सकते, आप इनको नियम मत देना। वह कहने लगा, महाराज जी मैं तो नारियल चढ़ा रहा हूं उसके बाद संकल्प करता हूं। तो मैंने कहा तुम नारियल मत चढ़ाओ। बोले महाराज जी क्या उस पर आपको यकीन नहीं है? मैंने कहा तुम्हें नारियल मत चढ़ाओ। तो बोले मैं क्या करूं? मैंने कहा तुम श्रीफल चढ़ाओ। ध्यान रखिएगा, आप लोग जब नारियल को लेकर आते हैं तो नारियल मत कहें, श्रीफल कहें, क्योंकि नारियल शब्द कहता है ना रियल की असली नहीं है। तो बात चल रही यहां पर सॉरी के एस ओ उसके बाद में डबल जो आर आता है, तो पहले आर की बात चल रही है कि रियल, रियल मतलब वास्तविक में रहो, अपने स्वरूप में रहो। आप ऐसा मत करो कि किसी के सामने आए तो मुस्कुराने लगे और किसी के सामने आए तो दुखड़ा और रोने लगे। अरे जो आपके जीवन में वास्तविक है उसमें रहो, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो वास्तविक होता है वही आस्तिक होता है, जो वास्तविक होता है वही आस्तिक होता है, और जो बनावटी होता है वह नास्तिक। जीवन में नास्तिक बनना है कि आस्तिक बनना है? जीवन में वास्तविक बनना है कि बनावटी बनना है, ये आपके हाथ में। आप कहते हैं महाराज ये बड़ा नास्तिक आदमी है, ये बड़ा पाखंडी आदमी है, ये बड़ा मूर्ख आदमी है। आप उसको बोलते हो अच्छी बात है, उसके सुधार के लिए बात कर रहे हो, लेकिन कम से कम उस समय एक बात को सोचो कि यह व्यक्ति पाखंडी है, नास्तिक है, मूर्ख है, लेकिन हम भी तो कभी ऐसे होंगे। आर से रियलता को अपनाइए कि हम भी तो कभी ऐसे होंगे, हम भी नास्तिक से अस्तिक बने हैं, हम भी मूर्ख से ज्ञानी बने हैं, हम भी पाखंड से पंडित बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति है वही भी तो ये काम करता होगा, जो व्यक्ति है वही भी तो इस काम को समझता होगा। तो क्या है सॉरी शब्द की व्याख्या यहां पर चल रही है? सॉरी दिल से होना चाहिए, सॉरी जवानी के साथ में दिल के अंदर से होना चाहिए। यह नहीं कि हम सामने वाले व्यक्ति से कुछ कह नहीं सकते इसलिए कह दिया सॉरी, नहीं, ये आप
उसके साथ तो धोखा कर रही हो, लेकिन आप अपने आप को भी धोखा देने का प्रयास कर रही हो। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है वो जिंदगी में कहीं पर भी सफल नहीं हो सकता। दुनिया को आप धोखा दे रहे हो तो शायद सफल होने की संभावना है, लेकिन आप यदि अपने आप को धोखा दे रहे हो तो कभी भी संभावना सफल होने की नहीं है। और दुनिया को धोखा देने का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया को कैसे धोखा देना प्रारंभ कर दो। दुनिया को धोखा देते हो तो सबसे पहले आप अपने आप को धोखा देते हो। जैसे किसी व्यक्ति को आपने पैसे उधार दिए और उस व्यक्ति से आपने पैसे मांगने का प्रयास किया, और जब उस व्यक्ति से आपने पैसे मांगने का प्रयास किया उसके पास में पैसे होते हुए भी उसने कह दिया कि मैं अभी दे नहीं पाऊंगा, तो उसने आपके साथ धोखा किया, लेकिन सबसे पहले उसने अपने साथ धोखा किया। ध्यान रखना, ये जिंदगी की नैया पता नहीं कब डूब जाएगा, ये जीवन की नाव पता नहीं कब आपको सागर में डुबो दे, कब आपको नदी तालाब में डुबो दे, लेकिन नाव डूबे उसके पहले अपने अंदर तैरने की काबिलियत आ जाना चाहिए, अपने अंदर गोता लगाने की काबिलियत आ जाना चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में तैरने की काबिलियत होती है, गोता लगाने की काबिलियत होती है, वह किसी भी समुद्र में जाने से नहीं घबराता। जिस व्यक्ति के पास में गाड़ी चलाने की क्षमता होती है, वह कोई भी रोड पर चला जाए वह गाड़ी चलाने से घबराता नहीं। जिस व्यक्ति को पूजन करने की आदत हो जाती है, वह चाहे एक लोग में पूजा करे, चाहे 10 लोग में पूजा करे, चाहे 1000 लोग में पूजा करे, चाहे लाखों लोगों में उसको द्रव्य सामग्री लेकर बैठा दो, वह पूजन अच्छी तरह से कर लेगा। क्योंकि वह पूजन जो कर रहा है वह लाखों लोगों को दिखाने के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी आत्मा को लाखों में से एक बनाने का प्रयास कर रहा है, इसलिए वो पूजन कर रहा है। अपनी आत्मा को लाखों में से एक तरफ करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए पूजन कर रहा है। तो पूजन में उसके साथ में एक लोग हो चाहे लाखों लोग हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रियलिटी यही है, वास्तविक जीवन यही है कि जैसा हमारा स्वभाव है वैसा हम हमेशा बने रहे, जैसी हमारी क्रिया है वैसी हम क्रिया को करने का प्रयास करें। ठीक है, कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि हमें अपने जीवन को थोड़ा सा परिवर्तित करना पड़ता है। गाड़ी आप अच्छी तरह से चला के जानते हो, लेकिन आपको भी कहीं कहीं पर गाड़ी में ब्रेक लगाना पड़ता है, कहीं कहीं पर जोर से ब्रेक लगाना पड़ता है, कहीं कहीं पर स्लो मोशन में ब्रेक लगाना पड़ता है, कहीं कहीं पर एकदम रेड लाइट देखकर रुकना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप अपनी सुरक्षा चाहते हो, दूसरों की सुरक्षा चाहते हो। तो ये असलियत है, रियल है कि हमें ब्रेक लगाना भी आता है, हमें पूजन करना भी आती है, हमें पूजन करना भी आता है। ध्यान रखना, संस्कारों की शुरुआत, अच्छी शिक्षा की शुरुआत, असलियत की शुरुआत बाजार में नहीं होगी, स्कूल में नहीं होगी, साधु संन्यासियों के पास नहीं होगी, मीटिंग माहौल में नहीं होगी, बल्कि उसकी शुरुआत तो आपके अपने घर से, अपने परिवार से, अपने मन के अंदर से होगी। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जो व्यक्ति अपने माता पिता के सामने अच्छी तरह से नहीं बैठता, जो व्यक्ति अपने माता पिता के सामने अच्छी तरह से वार्तालाप नहीं करता है, वह क्या अपनी ससुराल में, क्या अपने मित्र मंडली में, क्या अपने दोस्तों में, क्या अपने कॉलेज में, क्या अपने स्कूल में, क्या कहीं पर भी जाकर वह इस तरह से काम कर ही नहीं पाएगा। सीधी सी बात है, अच्छी सी बात है कि जो घर में थाली में खाना खाता है और गिराते गिराते खाता है, तो बाजार में जाकर वह पूरी थाली को पलट दे तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। सॉरी, जिंदगी व्याख्या चल रही है ऐसे सक्सेसफुल होना, ओ से ओरिजिनल रहे, वास्तविक रहे, आर से रियल रहे, रियलिटी में जिए, और दूसरे आर से एस ओ आर आर, दूसरे आर से है रोष को समाप्त कर देना, रोष को समाप्त कर देना। क्योंकि सॉरी जब बोल रहे हो तो रोष अपने आप समाप्त हो जाएगा, गुस्सा अपने आप समाप्त हो जाएगा, और यदि आप गुस्से में रहोगे, रोष में रहोगे, तो आप सॉरी नहीं बोल सकते। रोष कब आता है? जब हमारे मन के विपरीत कार्य होता है तो प्रत्येक इंसान को रोष आता है, गुस्सा आता है। हमेशा हम सोचते हैं, मैं भी सोचता हूं, आप भी सोचते हैं कि अपने जीवन में
रोज को स्थान ना दें और अन्य सारी क्रियाओं को संपन्न करने का प्रयास करें। ध्यान रखिएगा कि जीवन में आपके रोज कब आता है, जब आपके मन की उम्मीद कोई कार्य होता है तो आपके जीवन में रोज आ जाया करता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आप आपके मन की उम्मीद कार्य करते हैं, आप अपने बचत की उम्मीद कार्य करते हैं तो दूसरे को भी रोज आएगा ना, दूसरे को भी तो तकलीफ होगी ना। तो जिस तरह से हमें रोज आ रहा है उसी तरह से दूसरे को भी आएगा। तो सॉरी सब में ऐसे सक्सेसफुल रहिए, ओ से ओरिजिनल रहे, आर से रियल रहे और दूसरे आर से रोज को समाप्त करें, रोज को खत्म कर दें और वाई से यकीन करें। किस पर यकीन करें? जिसको हम सॉरी कह रहे हैं उस पर यकीन करने का प्रयास करें, जिसके लिए हम सॉरी बोल रहे हैं उसको हम यकीन करने का प्रयास करें। और निश्चित मानना, आप अपनी यात्रा से बढ़ाना चाहते हो तो किसी पर यकीन करना सीख लो। आप यदि भगवान पर, गुरु पर, माता पिता पर, परिवार पर, शिक्षक पर, किताब पर, अपनी इस किताब पर यकीन कर लेते हो तो आपकी याददाश्त अपने आप बढ़ जाती है। याददाश्त को बढ़ाना है तो सबसे पहले यकीन करें, क्योंकि यकीन करोगे तो जीवन का सुकून आएगा। और सुकून कैसे आएगा? जब आपकी बुद्धि पर होगी, आपकी वाणी से ही होगी, आपके विचार से ही होंगे। तो अपनी वाणी को, अपने विचार को सही बनाना है तो सॉरी शब्द के अर्थ सुनने, एस से सक्सेसफुल, ओ से ओरिजिनल, आर से रियल, दूसरे आर से रोष रहित और वाई से यकीन करें। इस तरह से आप अपने जीवन को अच्छी तरह से सॉरी में बना सकते हैं। हमारा जीवन सॉरी के साथ चल रहा है, हमारा जीवन सॉरी के साथ दौड़ रहा है, हमारा जीवन सॉरी के साथ चलने का प्रयास कर रहा है, हमारा जीवन इधर उधर की बातों में अपने समय को व्यतीत कर रहा है। तो हमें क्या करना है कि अपने जीवन को सॉरी सॉरी में बनाने के लिए, सॉरी सॉरी के साथ में चलाने के लिए अपने जीवन को सॉरी में बनाएं। लेकिन कम से कम सॉरी में बनाने के साथ साथ में अपने जीवन में सॉरी को स्थान दें, लेकिन उस स्थान को अच्छी तरह से दें। ऐसा नहीं कि बस मजबूरी में आई एम सॉरी कह दिया और बाद में क्या किया, वो निकला और उसके लिए फिर आप सबसे सोचने लगे, तो सॉरी बोलने का कोई आपको फायदा नहीं होगा, माफी मांगने का फायदा नहीं होगा। माफी मांगने का तो फायदा जरूर है जब उसके प्रति अच्छे भाव हो और वह जो हम काम करते हैं उस काम को दोबारा करने का विचार ना आए तो सॉरी बोलने का फायदा है। जीवन में आप लोग कितनी बार सॉरी बोलते हो, कितने बार थैंक यू बोलते हो? सॉरी और थैंक यू ये दिन भर में ना जाने कितनी बार बोले जाते हैं, दिन भर में ना जाने बार कितने बार प्रयोग में आते हैं। तो अपने जीवन में सॉरी शब्द को समाप्त करने के लिए, सॉरी शब्द को आने के लिए, सॉरी शब्द को स्थान देने के लिए सॉरी का महत्व समझें और अपने जीवन से सॉरी के लक्ष्य को